वफाकी मुशीर खजाना शौकत तरीन ने एक सवाल पर कहा है कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स जल्द मिल जाएंगे। हुकाम के दस्तखत के बाद सऊदी अरब डिपॉजिट्स और उधार तेल की मद में इमदाद जल्द जारी कर देगा। सऊदी हुकाम दस्तखत करके जल्द हमें भिजवा रहे हैं। उन्होंने वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IMF के साथ माहिदा तय पा गया है। IMF के साथ स्टाफ एग्रीमेंट कामयाबी से मुकम्मल हुआ। IMF पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब डॉलर्स देगा। कोरोना के बावजूद मौशत की बेहतरी को IMF ने तस्लीम किया। हकूमत पाकिस्तान की मौशी तरक्की जारी है। IMF ने टैक्स रिफॉर्म्स जारी रखने का कहा है। कारोबार और टैक्स हकूमती इस्लाहाती एजेंडे पर कामयाबी से अमल कर रही है। पावर सेक्टर में भी मजीद बेहतरी होगी। बिजली के नरक में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने एहसास और कामयाब प्रोग्राम को सराहा है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही है लेकिन बैरूनी अकाउंट पर दबाव है, इसलिए स्टेट बैंक को मजीद इकदाम करने चाहिए। सरकारी इदारों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना होगा। आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ जिससे पाकिस्तान में महंगाई हुई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल लेवी हर माह 4 रुपये बढ़ाई जाएगी जिससे अवाम को ये नुकसान होगा कि हर माह अब 4 रुपये पेट्रोल महंगा होगा।